हे हेलो वेलकम टू केमेस्टूडेंटो सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं बनाना बॉन्ड के बारे में अब तक तो हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड डेटी बॉन्ड पढ़ा था भी नया बॉन्ड होता है जिसको हम बनाना बॉन्ड कहते हैं बेसिकली इस नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड इस बॉन्ड के शेप को हम बनाना बॉन्ड शेप शेप उसका बनाना जैसा होता है इसलिए हम उसको बनाना बॉन्ड कहते हैं जिसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है ये बनाना बॉन्ड फेमस हो गया जब से कोटा फैक्ट्री में इसके बारे में बताया गया आपने अगर कोटा फैक्ट्री देखी हो तो जो कि एक, एक सीरीज थी वेब सीरीज थी, थी यूट्यूब पे आ, टी वी एफ ने बनाई थी अन अकेडमी की हेल्प से तो उसमें इस इनऑर्गेनिक में जिसकी बहुत बुराइयाँ करी थी वहाँ से इस बनाना बॉन्ड के बारे में काफी बच्चों को पता चला भी या ऐसा भी एक बनाना बॉन्ड होता है एक टाइप का बॉन्ड होता है तो विल ट्राई टू तो अंडरस्टैंड बनाना बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ डायबोरेन हम डायबोरेन की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे ना इस वी एल नो बोन का जो अटोमिक नंबर होता है बोरन का अटोमिक नंबर होता है पाँच अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट करूँ इट इज वन एज टू इट इज टू एज टू एंड इट कम्स आउट टू बी टू पी वन मतलब अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये होता है टू कॉमा थ्री अब देखिए बोरोन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसे और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अब अगर मैं इसको वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एस ऑर्बिटल एस सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और पी जो मेरा सबशेल होता है पी के अंदर फ़िलहाल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाकी के जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं वो खाली पड़े होते हैं इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जी ग्राउंड स्टेट अब हो सकता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के वहाँ चला जाए और ये चला जाए एक्साइटेड स्टेट में अभी एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जाता है क्योंकि भाई इसको बॉन्ड बनाना होता है और बॉन्ड बनाने के लिए वी वॉन्ट एज मच सिंगल इलेक्ट्रॉन एज पॉसिबल हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है तो अब ये हो गया है मेरा एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब ये जो बोनोन है वो क्या करता है ये चारों ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आई होप आपको पता होगा कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रिमिक्स करके मिक्स करके और एक न्यू ऑर्बिटल सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाना जिनकी एनर्जीज इक्वल होंगी तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ पे चार इक्वल एनर्जीज की ऑर्बिटल बन जाती हैं जिसमें से तीन ऑर्बिटल्स में गॉट इलेक्ट्रॉन बट एक ऑर्बिटल जो होती है वो आपकी होती है एम टी मान लीजिए ऐसा ही एक और बोरोन है योगॉड अनदर बोरोन ना सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ हाइड्रोजन के अंदर होता है अच्छा इस, इस बोरोन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस बोरोन का जो स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा यू विल बी हैविंग अ बोरोन आपका एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा एक ऑर्बिटल आपका इस तरीके से प्लेन में होगा एक ऑर्बिटल इस तरीके से प्लेन में होगा और जो अन जो एम ऑर्बिटल है अनहाइब्रोडाइज तो नहीं कहूंगा हाइब्रोडाइज्ड है बट एम ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो वो इस तरीके से ऊपर होगा जो ऐसे दिखाई देगा इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्रा हेड्रल जोमेट्री क्या कहते हैं टेट्रा हेड्रल जोमेट्री ना सपोज करो ऐसे दो बोरोन एटम हो जाएं, दो बोरोन के आइटम हो जाए और वो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाएँ तो लेट अस इमेजिन दैट मेरे पास इस तरीके का एक प्लेन है आई हैव गॉट अ प्लेन सम वट लाइक दिस ऐसे मेरे पास एक प्लेन है और उस प्लेन में एक बोरोन का आइटम यहाँ पर है और दूसरा बोरोन का आइटम यहाँ पर है थोड़ा और नज़दीक बना देते हैं यू हैव गॉट टू बोरोन आइटम अब मान के चलते हैं कि इस बोरोन आइटम की पहली ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से नीचे आई हुई है इस ऑर्बिट बोरोन की भी पहली ऑर्बिटल ऐसे नीचे आई हुई है एक ऑर्बिटल उसकी प्लेन में है दूसरी ऑर्बिटल उसकी प्लेन में है और तीसरी ऑर्बिटल इस तरीके से ऊपर है अब एक्चुअली जो थर्ड ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ मान लेते हैं ये जो ऑर्बिटल है ये वो ऑर्बिटल है जो जिस जो एम ऑर्बिटल है तो मान लेते हैं ये एम ऑर्बिटल है आपकी इस तरीके से दिस इज योर एम ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई ऑर्बिटल है और बाकी सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है सिमिलरली हम मान लेते हैं इस वाले बोरोन की एक एम ऑर्बिटल या नीचे है मतलब ये दो ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हुई हैं इस तरीके से ये ऑर्बिटल यहाँ पे है ठीक है ना मान के चलते हैं कि आपके बोरोन जो दूसरा बोरोन है तो उसका एक ऑर्बिटल होगा भरा हुआ जो ऊपर होगा एक ऑर्बिटल भरा हुआ जो यहाँ पर होगा एक ऑर्बिटल भरा हुआ जो भरा हुआ ऑर्बिटल का मतलब होता है वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होगा यू विल बी हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ईच प्रेजेंट लाइक दिस अब मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स आ जाते हैं हाइड्रोजन्स जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वहाँ पे हाइड्रोजन जाके खड़े हो जाते हैं भैया हमसे बॉन्ड बना लो हम फ्री वेल ले बैठे हैं हमारे पास काम धंधा नहीं है कुछ तो मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाते हैं और हाइड्रोजन आगे पहला बॉन्ड बना लेता है इसके साथ तो देखो आपके पास क्या बन गया आपके पास बोरोन बन गया और बोनोन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आगे बॉन्ड बना लेता है तो बोनोन का बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ तीसरा बोरोन का बॉन्ड बन जाता है इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर तो तीसरा बोरोन का बॉन्ड बन गया है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बोरोन का यहाँ बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोरोन की ये जो ऑर्बिटल है ये वाली ऑर्बिटल खाली पड़ी होती है दर इज नो बॉन्डिंग ओवर ईयर इवन दो देर इज एन ऑर्बिटल एंड दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर नॉट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है सामने वाला जो बोरोन होता है इस तरीके से उसका एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ होता है जो खाली पड़ा होता है जहाँ पे अभी उसने बॉन्ड नहीं बनाया जिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स की वो ऑर्बिटल है खाली पड़ी हुई है और अब वहाँ बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनाएगा बोरोन का ये वाली ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ ये वाली ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ और ये वाली ऑर्बिटल ने यहाँ पर देखिए है यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ अब मैं हाइड्रोजन को ऐसे क्यों बना रहा हूँ ठीक है अगर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है वन यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वन एस वन तो जो एस ऑर्बिटल होती है वो स्पेरिकल ही दिखती है उसका न्यूक्लियस अगर आप देखोगे पी और ए, ये एस और पी का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एस पी थ्री है ये होगा एस एंड पी के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिड और एस पी थ्री की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कुछ ऐसी फ्लैटेड एंड थोड़ी सी सर्कल शेप में इस तरीके की दिखती हैं इसलिए हमने इनको बैलून शेप बनाया हुआ है ठीक है तो डायग्राम थोड़ा अगर सही नहीं होगा तो इग्नोर करना बट आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर किस तरीके के दिखेंगे अब यह बेसिकली होता क्या है कि बोन इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि अगर आप एक बोरन को देखो यहाँ पे इस बोरोन को उसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास ऑलरेडी पांच इलेक्ट्रॉन थे उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन के साथ और तीसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो पाँच प्लस उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन आ गए हैं अब उसके पास हो गए हैं आठ इलेक्ट्रॉन आठ इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो गए अगर आप उसके वैलेंस शेल की बात करते हो बाहर वाले शेल की बात करते हो तो बाहर के शेल में उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन थे उसने तीन इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिए तीन उसके खुद के थे तीन उसके खुद के थे और तीन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए कुल मिला के उसके पास हो गए हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन वी ऑल नो कि आउटर शेल जो होता है जो बाहर का शेल होता है उसमें आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल होता है आपके पास अगर आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कॉन्फिग्रेशन पढ़ा है टू कॉमा एट होनी चाहिए अगर आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप स्टेबल नहीं रहोगे तो यहाँ पर ये यह बोरॉन क्या करता है इसको अभी भी और दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है देखो या तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि उसके आखिरी शेल में अभी तीन इलेक्ट्रॉन थे तीन उसने शेयर किए अभी उसके पास सिक्स हो गए या तो आप इसको दूसरे वे में देख सकते हो कि इस बोरोन के पास टोटल पाँच इलेक्ट्रॉन थे कुल मिलाकर पांच इलेक्ट्रॉन थे उसने अब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं तीन इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए तो कुल मिला उसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो गए आठ इज नॉट अ नोबल गैस का क्वांटम इज नॉट अ नोबल गैस का अटोमिक नंबर अगर एटॉमिक नंबर दस हो जाता तो हीलियम के बाद नियॉन जैसा बन जाता कोई भी एटम नोबल गैसेस जैसा बनना चाहता है तो आप यूँ समझ लो कि वो आ, ये आठ इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं टोटल और ये आठ इलेक्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं, वो आउटर शेल की बात कर रहे हैं बाहर वाले शेल की या तो आप बाहर वाले शेल के टर्म्स में बात करो या तो आउटर शेल के टर्म्स में बात करो या तो आप ओवरऑल टर्म्स में बात करूँ तो अगर ओवरऑल दस इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो खुश हो जाएगा एटलीस्ट नहीं तो हम यूँ कह सकते हैं कि बाहर वाले शेल में उसके पास कम से कम आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेकंड शेल में तो ये बोरॉन जो है ना वो हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो गया उसे अभी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत है अगर मान लीजिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है तो देखिए एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए नॉर्मल बोरॉन का और नॉर्मल हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है तो हम इस इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं दो सेंटर हैं दो न्यूक्लियस हैं और दो इलेक्ट्रॉन हैं और ऐसा ये बॉन्ड बना है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और नॉर्मल जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो इसी टाइप के बॉन्ड बनते हैं कि दो सेंटर होते हैं दो लोग होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपस में बाटम बाटी होती है आपस में शेयरिंग होती है लेकिन यहाँ पे ये यह वाला जो बोरोन आप देख रहे हो कैन यू सी दिस बोरोन ये बोरोन अभी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है इसे इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन की जब उसे सख्त ज़रूरत है तो वो क्या करेगा बगल वाले बोरोन और हाइड्रोजन को कहेगा देखो भाई तुम्हारा परिवार इतना खुश परिवार है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन तुम आपस में बॉन्ड बना रखे हो तो ये वाली जो ऑर्बिटल है उसकी नीयत खराब हो जाती है उसकी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इस हाइड्रोजन और इस बोरॉन के जो दो इलेक्ट्रॉन थे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टू इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बोलता है मेरे साथ शेयर करो अरे ऐसे कैसे शेयर कर लो बॉन्ड तो हमेशा दो एटम्स के बीच में बनता है तो बोरोन कहता है नहीं जबरदस्ती शेयर करो तो अब मेरे हाइड्रोजन को मजबूरी में आके या मेरे हाइड्रोजन को मजबूरी में आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि भाई धमकी मिल रही है वहाँ से कि मेरे साथ भी शेयर करो अब मेरे हाइड्रोजन को मजबूरी में आके अपने दो इलेक्ट्रॉन्स अपना एक इलेक्ट्रॉन

ये गलत है क्योंकि एक्चुअली मैं बॉन्ड बनते समय ये वाला बो तो बिना मतलब पार्टी में आ गया बिना मतलब पार्टी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फंडा हो गया मेरे इन दोनों के बॉन्ड बन रहे थे ये तीसरा बंदा अपने आप वहाँ घुस गया तो ये जो है अनवांटेड बॉन्ड बनता है तो डोंट यू फील दिस इज हाईली अनस्टेबल बॉन्ड और इसका जो शेप दिख रहे हो कैन यू सी द शेप इस तरीके का शेप है क्योंकि ये बोरॉन है यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक बोरॉन है तो बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है ये बन जाता है थ्री सेंटर दो तो इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड विच इज हाईली हाईली अनस्टेबल और ऐसे कंपाउंड अच्छा ट्वेंटी फिल ऐसे ही ऊपर भी हो रहा होगा अगर मैंने इस बोरोन ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया तो इस बोरोन का भी तो ऑर्बिटल ऊपर था तो वहाँ वाला ऑर्बिटल भी क्या करता है बगल वाले हाइड्रोजन को लेता है और अपने साथ शेयर करने के लिए मुझसे फोर्स करता है तो डोंट यू फील ऊपर भी इस टाइप का बॉन्ड बन गया कैन यू सी ऊपर भी इस टाइप का बॉन्ड बन गया तो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ मतलब अनवॉन्टेडली ना चाहते हुए भी हाइड्रोजन एक तरीके से ब्रिजिंग इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है ब्रिजिंग का काम कर रहा है दोनों बोरोन को पकड़ के रख रहा है जो कि हाइड्रोजन की के नेचर के खिलाफ है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अब तुम सोचो यहाँ पे तीन तीन लोग हैं तीन तीन लोग हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं विच इज विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग नहीं होना चाहिए तो इसीलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं पहली बात तो बनाना बॉन्ड क्योंकि उसका अगर आप शेप देखिएगा तो वो बनाना जैसा दिखता है कर्व हो जाता है बनाना बॉन्ड और ये जो बनाना बॉन्ड होता है ये हाईली अनस्टेबल बॉन्ड होता है इससे मुझे जो कंपाउंड मिला गया वो क्या मिल गया दो बोरन आई है बी टू और दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर एक ऊपर एक हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन बी टू एच सिक्स ये हमारे पास डायबोरेन कंपाउंड बन गया अब ये देखिए ये जो आपने डायबोरेन यहाँ पे पढ़ा है वाई आई एम टीचिंग वाई मैंने ये वीडियो क्यों बनाया क्योंकि अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे बी एस सी एम ए लेवल पे आप वहाँ पे देखोगे बोरेन्स के बारे में पढ़ोगे यू विल सी क्लोजो नीडो एरेक्नो हाइपो है हा ना ये सब आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में बोरेंस के बारे में एसिडिटी इन बोरेन्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ना ये समझना चाहिए कि बोरोन एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है कि वह, वहाँ वहाँ पर बहुत बार आप स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अरे सर हाइड्रोजन ने तीन तीन बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन ने दो दो बॉन्ड बनाए अरे हाइड्रोजन हाउ कैन हाइड्रोजन मेक टू बॉन्ड्स हाइड्रोजन तो नहीं बनाना चाहिए दो बॉन्ड बट फिर भी हाइड्रोजन दो बॉन्ड बनाता है या तीन बॉन्ड बनाता है मतलब वहाँ पर मल्टी मल्टी सेंटर बॉन्ड बन रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे लोग उनको शेयर करने के लिए लड़ रहे हैं मर रहे हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ये बी टू एच सिक्स वाले टाइप के कंपाउंड ये हाईली 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 रिएक्टिव होते हैं आप सोचिए ना इस बोरोन को क्या जमाना आ गया इस बोरोन को बाकी के दो के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर करना पड़ रहा है मतलब नॉर्मली जो को, 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 केमिस्ट्री में हमने बॉन्ड सीखा है दो लोगों के बीच में उसमें तीसरा बंदा जबरदस्ती घुस रहा है है ना अब उसको मजबूरी में आगे करना पड़ रहा है अगर उसे कोई और ऑप्शन मिल जाए अगर उसे कोई और ऑप्शन मिल जाए जो उसे इलेक्ट्रॉन शेयर करने को तैयार हो तो वो ये बॉन्ड को झटके से तोड़ देगा मतलब उतनी इसकी रिएक्टिविटी है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया और आपको यहाँ से डायबोरिन के बारे में पता चला बनाना बॉन्ड के बारे में पता चला थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पता चला ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे जाके ऑर्गेना केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई टीजी के जो बच्चे हैं जो नीट के बच्चे हैं जो इलेवेंथ ट्वेल्थ में उनको भी ये कॉन्सेप्ट इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है तो अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ ये लास्ट चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ बोरोन है अगर मेरे पास यहाँ बोरोन है यहाँ हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा यहाँ हाइड्रोजन होगा यहाँ हाइड्रोजन होगा एक हाइड्रोजन जो होगा वो ऊपर बैठा होगा और एक हाइड्रोजन जो होगा वो प्लेन से नीचे बैठा होगा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन समझ में आया और ये जो बॉन्ड बना होगा ये कौन सा बॉन्ड होगा दिस विल बी कॉल्ड एज दी बनाना बॉन्ड ये जो जो हैं ये अलग हाइड्रोजन हैं दीज आर डिफरेंट हाइड्रोज जो कि नॉर्मल बॉन्ड बना रहे हैं एंड दीज आर डिफरेंट हाइड्रोज जो कि बनाना बॉन्ड बना बनाना बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ये आपको समझ में आया होगा कि थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है एंड आने वाले टाइम में आप इसका यूज बहुत सारी इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पर देखोगे तो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में टिल दिन बाबा टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यूर